हाय एवरीवन, दिस इज क्रिस हियर एंड यू आर वाचिंग योद्धा एकेडमी। आप लोग ये खबर देख के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए होंगे और परेशान होना भी चाहिए, है ना। तो सर आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? हम मुस्कुरा इसलिए रहे कि ये बिहार है, मतलब यहाँ कुछ भी क्या है पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी, ठीक है। और हम इसलिए भी खुश हैं कि आप लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए होंगे, जैसे कि बचपन में जब आप लोग पढ़ने के लिए जाते होंगे और सर कहते होंगे कि दो दिन के बाद जो है ना छुट्टी है या दो दिन छुट्टी है, आज पढ़ाई नहीं होगा, तो बड़े ही खुश हो जाते थे कि चलो अब कम से कम जो है दो दिन खेलने का क्या मिला, मौका मिला। तो इसलिए आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा क्या होंगे, खुश होंगे कि चलो कल तो हमें क्या एकदम बेहतरीन हुआ कि चलो भाई कल हमें एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इतना ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो सब्जेक्ट कैंसिल हुए हैं मैं आपको बताऊंगा कि किस डेट में वो एग्ज़ाम लिए जाएंगे और क्यों कैंसिल हुआ है, उसके भी बारे में मैं बताऊंगा, सारा जानकारी मैं आपको दूंगा, ठीक है। ये है हमारे नीतीश जी, सुशासन की सरकार हैं भाई, है ना, नीतीश जी के यहाँ पे। और तब पर भी जो है इस तरह की मतलब न्यूज़ हमें सुनने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले, जो बच्चे हमें पहले से जानते होंगे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे, और जो बच्चे नहीं जानते हैं वो ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ योद्धा एकेडमी पे इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, आर्ट्स, सभी क्लासेस बिल्कुल ही क्या फ्री क्रैश कोर्स कराया जा रहा है। तो आप लोग जाके क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना लिंक मिल जाएगा योद्धा एकेडमी एप्लीकेशन का, जाइएगा प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही साथ हम आगे बढ़ते हैं और सारी जानकारी हम आपको देते हैं, ठीक है। सबसे पहला देखिए, ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन मतलब आया है, ठीक है, बिहार बोर्ड की तरफ से। मैं हो सकता है कि मे बी आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा ब्राइट के कारण, थोड़ा सा ब्राइट को कम किया जाए कैमरामैन, ठीक है। तो कैमरामैन के द्वारा कुछ ब्राइट को एक पर कर ला दिया जाए, है ना, जीरो से कहां एक पे, ठीक है, ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। तो अब हम चर्चा करते हैं कि क्या है और किस डेट में ये एग्जाम होने वाले हैं और कौन से सब्जेक्ट क्या हुए हैं, कैंसिल हुए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्यारे बच्चों, योद्धा एकेडमी में एक एग्जाम मंथन बैच लॉन्च किया गया है, वही एग्जाम मंथन बैच जिसमें आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम लिमिट है ना, लिमिटेड जो होते हैं ना, लिमिटेड कंटेंट वो पढ़ना है जो आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित आएगा। जैसे कि आपको क्रैश कोर्स में ढेर सारा चीज पढ़ना पड़ता है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, है ना, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज एनालिसिस भी किया जाता है हर एक चैप्टर को, देखो ये चैप्टर है इसमें इतना 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 सारा चीज पढ़ना है, ये चैप्टर है इतना पढ़ना है, फिर मॉडल पेपर करना है, फिर क्वेश्चन बैंक करना है, बहुत सारा चीज कराया जाता है। लेकिन इसमें क्या होने वाला है एग्जाम मंथन बैच में कि आपको कुछ भी नहीं करना है, मात्र ये 30 दिन के क्लास होंगे और इस 30 दिन में प्रत्येक सब्जेक्ट को तीन भाग में बांटा गया है। पहला भाग है एमसीक्यू, दूसरा भाग है शॉर्ट क्वेश्चन और तीसरा भाग है लॉन्ग क्वेश्चन। सर क्या क्वेश्चन की संख्या बहुत अधिक होगी? बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि हम लोग हार्ड वर्क पे कम और स्मार्ट वर्क पे मेरा मानना है कि ज्यादा हम विश्वास करते हैं ना। हो सकता है कि यह बात कुछ हमारे छोटे भाई बहन को बुरा भी लगा होगा, सर ये कौन सी बड़ी बात बोल दिया, यदि हार्ड वर्क करके यदि कोई सबको सफलता मिलता तो आज जो है ठेला चलाने वाले, ऑटो टमटम चलाने वाले सबसे ज़्यादा अमीर होंगे। सर ये तो हो गया कि मतलब उनका बेइज्जती कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं हम कर रहे हैं, जो हकीकत है मैं उस बात को बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग स्मार्ट वर्क करने वाले हैं, जैसे मान के चलिए 7 साल 8 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ और भी टीम के जितने भी टीचर हैं सारे पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं तो सब एक्सपीरियंस वाले हैं, तो सभी सर अपने एक्सपीरियंस के आधार पर लिमिटेड, बहुत ही कम ऑब्जेक्टिव और बहुत ही कम शॉर्ट क्वेश्चन और बहुत ही कम लॉन्ग क्वेश्चन को सेलेक्ट करके ये एग्जाम मंथन बैच को डिजाइन किया है, ठीक है, एग्जाम मंथन बैच को डिजाइन किया है, ठीक है। इस बैच में आप जब ज्वाइन कीजिएगा तो एक एग्जाम मंथन किट खजाना मिलेगा, है ना, उसी खजाना को केवल पढ़ना है और जो पढ़ना है उसी को एग्जाम मंथन बैच में बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो कोई क्रैश कोर्स नहीं, कोई क्वेश्चन बैंक नहीं, कोई मॉडल पेपर नहीं, कोई चैप्टर वाइज, है ना, 10,000 12,000 ऑब्जेक्टिव करने की जरूरत नहीं, एकदम सब्जेक्ट वाइज बहुत ही लिमिटेड, है ना, क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। और साथ ही साथ एग्जाम मंथन बैच में एक एग्जाम आपको लिया जाएगा बैच कंप्लीट होने के बाद, और उसमें जिस बच्चे का रैंक 1 से लेकर 300 तक के बीच आएंगे उन तमाम बच्चों को क्या मिलेगा, प्राइज मिलेगा, ठीक है, जो एग्जाम मंथन बैच में ज्वाइन करेंगे। सर क्वेश्चन कहां से लाया जाएगा, एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जो एग्जाम मंथन बैच में क्वेश्चन कराए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे, उसी से आपका टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट कहां पे होगा, तो योद्धा एकेडमी एप्लीकेशन पे होगा। क्या सर उसमें सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो नहीं, जो एग्जाम मंथन बैच लिए हैं वही बच्चे इस एग्जाम में क्या कर सकेंगे, पार्टिसिपेट हो पाएंगे, ठीक है।
तो ये सारे प्राइज उन्हें मिलेगा एकदम सम्मान के सहित, एकदम बुला के यहाँ पे एकदम ऑफिस में, ठीक है ना, पर्सनली आपको है ना टिकट कटवा दिया जाएगा यहाँ आने के लिए, ठीक है। तो चलिए, तो जो बच्चे 1 से 5 रैंक लाएंगे एग्जाम होने के बाद, 1 से 5 रैंक लाएंगे, तो उन्हें 1 से 5 रैंक आने वाले बच्चे को क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है, एंड्रॉइड फोन मिलेगा। दूसरा यदि हम बात करें 6 से 11 मतलब नंबर पर आने वाले बच्चे को साइकिल मिलेगा, 6 से 11 रैंक आने वाले बच्चे को एग्जाम मंथन बैच में, ठीक है। इसके अलावा फिर 11 से 15 को आप देख सकते हैं ये प्राइज मिलेंगे, फिर 16 से 20 ये प्राइज, फिर 21 से 30 ये प्राइज मिलेंगे, फिर 31 से 40 को ये प्राइज मिलेंगे, इससे फिर 50 तक वाले को ये मिलेंगे। और जो बच्चे बिहार बोर्ड टॉप करते हैं एग्जाम मंथन बैच लेके, और करेंगे, क्योंकि ये वैसा बैच है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये इतना बेहतरीन बैच है कि आपको ये बैच करने के बाद किसी बैच करने की जरूरत नहीं है। तो बिहार बोर्ड में यदि आपका रैंक 3rd आता है तो आईफोन 15 मिलेगा आपको, 2nd रैंक आता है तो हीरो का बाइक मिलेगा स्प्लेंडर प्लस, और रैंक 1 आता है तो आपको क्या मिलेगा, बुलेट मिलेगा, ठीक है। तो ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, योद्धा एकेडमी एप्लीकेशन पर जाना है और वहां से बाय कर लेना है, कौन से बैच को, है ना, एग्जाम मंथन बैच को। इसके अलावा यदि आपको कहीं पे कोई समस्या होता है किसी भी तरह का, या मान के चलिए आपको रजिस्टर्ड करने में समस्या आता है, या ऑलरेडी लिखा रहा है कि आप रजिस्टर्ड कीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो पहले से ऐप को इंस्टॉल करके रखे हैं वो अपडेट कर लीजिए, ऐप को क्या कीजिए, अपडेट कर लीजिए, है ना, अपडेट करके आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6 कर लीजिएगा, वो आपका खुल जाएगा। और इसके अलावा ये मेरा नंबर है 7004088518, इस पर कॉल नहीं लगेगा, लेकिन व्हाट्सएप जो भी चीज़ कीजिएगा आ जाएगा, कॉलिंग के लिए 9110091013 इस पर करके आप बात कर सकते हैं टेक्निकल टीम से, ठीक है। अब आते हैं कम टू द पॉइंट, मुद्दे की बात, ठीक है ना, कि कौन से सब्जेक्ट हमारे क्या हुए हैं, दैट मींस कैंसिल हुए हैं। तो कल जो आपके हिंदी प्लस इंग्लिश होने वाले थे, है ना, वो एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं, और किस कारण से हुए हैं, तो एकदम साफ ये क्लियर कर दिए हैं, है ना, कि ये कोई मतलब ऐसी कोई अपरिहार्य कारण है जो कि मतलब उचित रूप से बिहार बोर्ड के द्वारा वो कारण नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि यहां पे देख लीजिए ये एकदम ऑफिशियल है, ऑफिशियल वहां से किया गया है, ऑफिशियल भेजा गया, ठीक है, ऑफिशियल ये है, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है यहां पे, आप पढ़ सकते हैं, विषय है इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने वाले नियमित, मतलब जो भी है ना वार्षिक परीक्षा है ना, उनके बारे में ये बोल रहे हैं कि जो भी बच्चे हैं सेंटअप एग्जाम, देख रहे हैं यहाँ पे सेंटअप परीक्षा के अनुसार जो है 13/11/2024 को आयोजित होने वाले विषयों की, है ना, जो भी परीक्षा होने वाला है ना, उनमें बदलाव देखने के लिए मिल रहा है ना, 13 और 15 तारीख को जो भी एग्जाम होंगे उनमें। उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने वाले सेंटअप एग्जाम के बारे में जो भी बच्चे नियमित, जो भी है ना सारा बच्चे कोटि के छात्र जो भी हैं सेंटअप एग्जाम के परीक्षा के अंतर्गत दिनांक 13/11/2024 और से इतना 15/11 को आयोजित होने वाले विषयों की, है ना, जो परीक्षा है अपरिहार्य कारणों से, है ना, क्या किया अवक्रम से दिनांक 23, है ना, यानी 13 तारीख वाले को कब लिया जाएगा, 23 तारीख को, और 15 तारीख वाले को लिया जाएगा कब, 25 है ना, 25 है कि 26 है ना, ये 26 है ठीक है, या 25-26 को ली जाएगी, है ना, तद अनुसार ये सारा चीज दिनांक इतना 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 के विषय के सिद्धांतिक परीक्षा यहाँ पे दे दिया गया, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, 25 को ही होगा, है ना, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये कौन कौन से सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, इंग्लिश है ठीक है, आप देख सकते हैं 23 को होने वाला है, और इनके साथ जो भी उनके मतलब उर्दू या हिंदी जो भी है उसके हिसाब से सारा चीज यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी है, ठीक है, 2nd पाली में सब में दे दिया है, ठीक है, इसके अलावा ये 25 को जो है वो वाला भी है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, सारी जानकारी ले लिए हैं। और ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी नीचे जरूर कॉमेंट्स कीजिएगा, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एग्जाम मंथन बैच में जुड़ जाइएगा, और उसको करने के बाद फिर कोई चीज करने की जरूरत ही आपको नहीं है, ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, सो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।